शामली में खेत में खाद के लिए डाले गए गोबर में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। हालांकि लाश कई दिन पुरानी होने के चलते सड़ने के कारण पहचान में नहीं आ रही है। कुत्ते भी शव को नोच रहे थे। सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव महमूदगढ़ के जंगल में थाना भवन निवासी रमेश चंद्र के ट्यूबवेल पर खेत में खाद के लिए डाले गए गोबर के ढेर में कुत्ते गोबर के ढेर को खोद रहे थे। खेत में तुषार अपने साथियों के साथ कसरत कर रहा था। कुत्तों की हरकत पर कुछ शक होने पर पास जाकर देखा तो गोबर के ढेर में लाश जैसा दिखाई दिया जिसे कुत्ते नोच रहे थे। शव देखकर तुषार और उसके साथी भयभीत हो गए। उसके बाद उन्होंने ये सूचना अपने घर वालों को फोन पर दी। घर वालों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोबर के ढेर से शव को बाहर निकाला और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन लाश कई दिन पुरानी होने के कारण फिलहाल कोई पहचान नहीं हो पाई। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। किसान जगमाल सैनी ने बताया कि खेत में बच्चे कसरत करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं, देर शाम तक कसरत करते हैं। उन्होंने कुत्तों को गोबर के ढेर की खुदाई करते देखा तो उन्हें शक हुआ और देखा तो व्यक्ति की लाश थी। उन्होंने इस बारे में फोन पर सूचना दी। मामले में शामली एडिशनल SP संतोष कुमार ने कहा कि शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। तथ्य सामने आएंगे, तथ्यों के बाद ही जानकारी जुटाने पर मामले का खुलासा किया जाएगा। सर, गोबर के ढेर में एक बॉडी मिली है, सर क्या पूरा मामला है? ये थाना भवन के बगल में महमूदगढ़ गांव है, उसी के बगल की घटना है। यहाँ एक कुंवरपाल हैं जिनका मशीन है, मशीन के बगल में वो घर से अपना गोबर ले आके चार पाँच पाँच दिन के आसपास का गोबर इकट्ठा करके यहाँ डालते हैं। तो आज वो अपने मशीन के आसपास आए, जानकारी मिली कि यहाँ कुत्ते कुछ सौ नोच रहे थे, वही गोबर के ढेर में वो बॉडी थी जिसको कुत्ते खंगाल रहे थे। बॉडी को देखने से लग रहा है कि ये करीब 35-40 वर्ष के बीच का एक खट्टा खट्टा व्यक्ति है और इनकी बॉडी मिली हुई है यहाँ पे। जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है। जानकारी प्राप्त होने के बाद हम लोग घटना स्थल पर आए हुए हैं। अब इस युवक की पहचान कराई जा रही है और पहचान होने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई अगली पुलिस की होती है वो कराई जाएगी और शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, क्या बॉडी के शरीर पे कुछ चोट वोट के निशान? हाँ, एक बॉडी पे चोट का, चूंकि उसके जो चेहरा है मुझे लगता है कि कुत्तों ने नोच लिया है, तो चेहरा स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। बॉडी पे एक टैटू का निशान बना हुआ है, उसी टैटू के सहारे हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आसपास की, चूंकि रात काफ़ी हो चुकी है, आसपास के गांव वालों को हम लोगों ने मैसेज डाला है। अब जैसे इसकी पहचान हो जाती है अगली विधि कार्रवाई हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम में कार्रवाई कराने के बाद घटना तक। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।